देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है, सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं, तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो एक घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकालने का ताकत केंद्र में है, केंद्र की जो एजेंसी है उसमें है। लेकिन हमेशा आप लोग देखिए कि आज जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है तो उनको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लाल बाजार लेके आया। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी जो है लीडर संदेश खाली में जाना चाहते हैं, उनको जाने के लिए दिया जाता है, तो उनके लिए 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जितना भी रूल होता है सभी विपक्ष के लिए और जो है केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है। यानी सीधी तरह से ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है, अब समय आ गया है लोगों को जागने का।